बहुत खूब, देखिए राजकुमारी के आंसू ने पत्थर की मूर्ति को हिलाया। क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स में जानते हैं। एक बार अनमालिया के जादुई साम्राज्य में, जिस पर बुद्धिमान राजा अल्मा और कोमल रानी बेना का शासन था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार जल्द ही परवान चढ़ गया। वे जुड़वा राजकुमारियों के जन्म की उम्मीद कर रहे थे। पूरे राज्य में खुशी की घटना होने की उम्मीद थी, लेकिन जब राजकुमारियों का जन्म हुआ तो बात ऐसी नहीं रही। सुनहरे बालों वाली बहन वाकई खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बहन के चेहरे पर काले बाल और अजीब तरह की आंखों के रंग के साथ उदास चेहरा था। उसके रूप को देखकर राजा और रानी काफी परेशान हो गए, लेकिन अपनी बेटी के प्यार में उन्होंने इसे तुरंत भुला दिया। चमकदार बालों वाली बड़ी राजकुमारी, मैं तुम्हारा नाम ऑरेलिया रखूंगा, और छोटी राजकुमारी जिसके काले बाल हैं, मैं आपको ब्रेना कहूंगा। राजा और रानी ने अपनी बेटियों को खुशी से देखा। महाराज, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है, लेकिन राजकुमारी ब्रेना का जन्म काफी खतरनाक है। क्या ये कैसे हो सकता है, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनी थी कि जब रहस्यमय काले बालों और अलग अलग आंखों के रंग वाली एक राजकुमारी का जन्म होगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? ब्रेना क्या करने की सोचती है? शायद हमारे पास आखिरी एक ही रास्ता है। कृपया मुझे राजकुमारी को इस राज्य से बहुत दूर ले जाने दें। हमारे लिए राज्य और राजकुमारी दोनों को बचाने का ये एकमात्र तरीका है। अगर यही एकमात्र तरीका है तो कृपया ब्रेना का ध्यान रखना, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। उन्होंने सोचा कि जादूगर द्वारा उठाए जाने पर छोटी राजकुमारी ब्रेना सुरक्षित रहेंगी, लेकिन राजा और रानी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि उन्होंने मुर्गी के घर की रखवाली करने के लिए लोमड़ी को भेजा है। छोटी राजकुमारी, आपके पास एक महान शक्ति है, क्या आप इसे जानती हैं? वो शक्ति मुझे आपके भरोसेमंद पिता को उखाड़ फेंकने में मदद करेगी। मैं वास्तव में उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब आप बड़ी हो जाएंगी। अगर मैं आपसे ये शक्ति अपने आप में ले सकता तो मैं इस तरह समय को बर्बाद नहीं करता। इसलिए छोटी राजकुमारी, जल्दी से बड़ी हो जाओ और मुझे वो शक्ति दे दो। बेचारी छोटी राजकुमारी, जरा देखो, तुम्हारे माता पिता केवल अपनी बड़ी बहन से ही प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है जब तुम एक छोटी बच्ची थी। सौभाग्य से मैं तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हारा पालन पोषण किया। ईमानदारी से, मैं वास्तव में आपके लिए बड़ा चिंतित हूँ। मुझे अपनी शक्ति दे दो, मैं आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरा मानना है कि मेरे माता पिता के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे। वे मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे। उस विचार के कारण एक दिन जब पॉल महल से दूर था, ब्रेना अपने माता पिता के साथ वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ी। अफसोस की बात है कि जब वो महल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसके माता पिता एक साथ चल रहे हैं, खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। वे वास्तव में उसकी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, और ब्रेना अंधेरे कोने में अकेली थी। मैं अपनी सारी शक्ति आपको देने के लिए तैयार हो गई। आपके शेष जीवन के लिए मैं बस यही रहना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया से दूर। पॉल जोर से हंसने लगा और तुरंत ब्रेना की सारी शक्ति को चूसने के लिए एक जादू डाला। ब्रेना की शक्ति खत्म होने के बाद पॉल संतुष्टि से मुस्कुराया, तुरंत ब्रेना को दूर से गिरा दिया, फिर उसे महल में कांटेदार लताओं के बाड़े में बंद कर दिया। वो जल्दी से राज्य में गया और राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा और रानी ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन उस समय उनके पास बड़ी शक्ति थी, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऑरेलिया, अपनी छोटी बहन ब्रेना को खोजो और उसकी रक्षा करो। राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाओ, आप दोनों ही इस राज्य की आखिरी उम्मीद है।
अपने पिता की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए प्रेरणा अपनी बहन को खोजने के लिए निकल गई। ऑरलिया ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। वो उस जगह का पता लगाने में सक्षम हो गई जहां उसकी बहन को हिरासत में रखा गया था, लेकिन वो कांटेदार बाड़ से घिरा हुआ था। फिर उसने हल्की तलवार से जादू किया। उसने कांटेदार बाड़ को काटने का इरादा किया, लेकिन जब उसने एक बेल काटी तो तुरंत दूसरी बढ़ गई और एक कांटा उसके शरीर में चुभ गया, जिससे उसे जबरदस्त कष्ट हुआ। लेकिन इसका कोई और रास्ता नहीं था। उसने फिर भी अपनी बहन को खोजने के लिए जल्दी से इसे पार करने की कोशिश की। कांटेदार बाड़ को पार करते हुए वो महल में प्रवेश करने के लिए तेजी से ऊपर उठती हुई चट्टान के शीर्ष पर चढ़ गई। यहाँ तक कि कभी कभी वो फिसल भी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत महल में प्रवेश किया और देखा कि उसकी बहन फर्श पर कमजोर पड़ी थी। अंत में उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपनी बहन को उठाने के लिए वहां पहुंची और अपनी हल्की शक्ति का उपयोग अपनी बहन के सभी घावों को ठीक करने के लिए किया। अपनी बहन द्वारा ठीक किए जाने के बाद ब्रेना धीरे धीरे जागने लगी। ब्रेना, अंत में तुम जाग गए। राज्य अब खतरे में है। मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि मैंने भी तुम्हें खो दिया था। बहन, तुम सच में मेरे लिए चिंतित हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूं? माता पिता ने पॉल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उन्होंने हमेशा आपके बारे में सोचा और मुझे आपकी अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए कहा। पता चला कि मैंने हर चीज के बारे में गलत समझा। पॉल ने मुझे बेवकूफ बनाया कि मुझे अपने ही परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और मुझसे कहा कि मैं अपनी सारी शक्ति उसे दे दूं। ये मैं ही हूं जिसने हमारे माता पिता को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अब रो मत, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दीदी, बस हमारे माता पिता के पास वापस आ जाओ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। महल के अंदर जब पॉल ने उनके माता पिता की सारी शक्ति चूस ली और उन्हें पत्थर में बदल दिया, तो वो वास्तव में बहुत दुखी हुए। ब्रेना इतने गुस्से में थी कि उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और पॉल पर हमला करने के लिए पहुंच गई। हालांकि उसकी शक्ति के बिना उसे पॉल ने बुरी तरीके से हरा दिया। ऑरलिया अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ी हुई। उसने पॉल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जल्दी हार गई और पॉल ने उसकी शक्तियां छीन ली। ब्रेना, जल्दी से भाग जाओ एक सुरक्षित स्थान पर और एक खुशहाल जीवन जियो। हमारा पूरा परिवार तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। ब्रेना ने जख्मों की परवाह किए बगैर वहां दौड़ी और अपनी बहन को पूरी तरीके से गले लगा लिया। पॉल चालाकी से मुस्कुराया। उसके मन में ब्रेना को खत्म करने का इरादा था। फिर चमत्कारिक ढंग से जब ब्रेना रो रही थी और अपनी बहन को पकड़े हुए थी, तो उसके आंसू उसके बहन के शरीर पर गिरे जहां उसका दिल था। जमीन तुरंत हिल गई, मूर्ति फट गई और उसकी बड़ी बहन वापस आ गई। उसी पल दोनों बहनों को पता चल गया कि सर्वोच्च शक्ति जो उन्हें अंधेरे की शक्ति को हराने में मदद कर सकती है, प्रेम की शक्ति थी और उनकी आत्माओं के बीच का संबंध। वे मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक आभा ने उन्हें ढक लिया। साथ में उन्होंने अंधेरे राजदंड और प्रकाश दंड को प्रकट करने के लिए जादू डाला। उन्होंने आत्मविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा और दुष्ट पॉल को खत्म कर दिया, जिससे राज्य में शांति वापस आ गई। पॉल को हराने के बाद दोनों बहनों ने तुरंत राजा और रानी को वापस लाने के लिए जादू किया और उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। राजा ने बहनों को सिंहासन दिया। उसी क्षण से लोग दो रानियों के शासन में सद्भावना और खुशी से रहने लगे। वाह, देखो वो छोटी बच्ची योद्धा राजकुमारी में बदल रही थी। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या हुआ? आइए वॉर फेरी टेल्स में इसे जानते हैं। एक बार की बात है, फेनरी नामक परियों की दुनिया में अलीसा नाम की एक सुंदर छोटी लड़की थी जो अपने पिता के साथ गांव में रहती थी, जो परियों की कहानी की तरह सुंदर थी। अलीसा की माँ का समय से पहले निधन हो गया।
उनके पिता एक प्रसिद्ध जादूगर थे जो अपनी बेटी को पालने के लिए पीछे हट गए। अलीसा के पिता के पास एक प्रतिभा थी। हर बार उन्होंने अलीसा को अलग अलग कहानियां सुनाई। एक परी द्वार खुला जिसने अलीसा को अद्भुत कहानियों की दुनिया में पहुंचा दिया। जब भी उसने परियों की दुनिया में कदम रखा, अलीसा ने खुद को एक योद्धा राजकुमारी के रूप में पाया, क्योंकि वो हमेशा सभी की रक्षा के लिए मजबूत बनना चाहती थी। धीरे धीरे अलीसा के पिता की कथा और जादू की प्रतिभा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और ये बात राज्य की रानी कलीना तक पहुंची। जाहिर है मैं इस राज्य की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, कोई मुझसे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? ये अस्वीकार्य है। नहीं, अगर वो वास्तव में मुझसे ज्यादा मजबूत है तो मेरे सिंहासन को खतरा होगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसीलिए उसने अलीसा के पिता को मिलने के लिए महल में बुलाने के लिए अपनी रानी की शक्ति का इस्तेमाल किया। महल में जाने से पहले उसे कुछ गलत महसूस हो सकता था। फिर उसने अलीसा को वो पवित्र पुस्तिका दी जो वो उसके लिए पढ़ता था और एक हार दिया। मेरी प्यारी अलीसा, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हें उन दोनों चीजों को ध्यान से रखना होगा, वो तुम्हारी मदद करेंगी। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, रानी ने उसे कहानियों की दुनिया में बंद कर दिया जिसमें वो बिना रास्ते के अटक गया। धिक्कार है, उसकी अभी भी एक छोटी बेटी है। मुझे उस खतरे को भी खत्म करना होगा। मैं यहाँ बैठकर उसके बड़े होकर बदला लेने का इंतजार नहीं कर सकती। रक्षक! छोटी लड़की अलीसा डर कर रह गई और दरवाजे की तरफ देखा जो टूटा हुआ था। उसने डर के मारे अपने पिता की किताब पकड़ ली। सौभाग्य से जब दरवाजा तोड़ा जाने वाला था, अलीसा ने अनजाने में हार और किताब से संपर्क कर लिया। किताब चमकी और एक प्रकाश का द्वार खुल गया जिससे कहानियों की दुनिया खुल गई। अलीसा ने तुरंत कदम रखा और खतरे से बच निकली। किस्सों की दुनिया में कदम रखते ही अलीसा कांप उठी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बर्फीली जमीन थी। वो बर्फीली जमीन में इधर उधर भटकती रही और अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। एक बोना था जो बर्फ के छेद में फंस गया था और दूसरा बोना उसे ऊपर खींचने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। अलीसा तेजी से वहां दौड़ी और दोनों को ऊपर खींच लिया। लड़की, तुम अलीसा हो? मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है। हम वास्तव में उनसे प्यार करते थे। हम जानते हैं कि उसे फरीदा द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था और शून्य क्षेत्र में हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरे पिता को हिरासत में लिया गया था, अब वो कहाँ है? क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता दिखा सकते हैं? मुझे अपने पिता को छुड़वाना है। हे भगवान, वहाँ का रास्ता वाकई बहुत कठिन है। चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, मुझे उन्हें बचाने का रास्ता खोजना होगा। वो मेरे लिए सब कुछ है। ये ठीक है, तो आप बस सर्दियों की भूमि के साथ चलते रहिए। दो और भूमि को पार कीजिए, अब आप वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ कुछ भी नहीं है। हम मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपकी शांति की कामना करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीसा ने बोनो के निर्देशों का पालन किया। उसने सर्दियों की भूमि को पार किया और वो एक जगह पहुंच गई जो फूलों से भरी हुई थी। वो पौधों और फूलों की सुंदरता में डूबी हुई थी, लेकिन उस पर अचानक एक मांसाहारी पौधे ने हमला कर दिया। अलीसा डर के मारे भागी। उसे बचने का उपाय सोचा और फिर उसे एक युक्ति सूझी। वो जितनी तेजी से भाग सकती थी दौड़ी और एक बड़ा पत्थर उठा लिया। जब मांसाहारी पौधे ने अपना मुंह खोला तो उसने चट्टान को उसके मुंह में डाल दिया, जिससे पौधे को बहुत दर्द हुआ। मौका पाकर उसने पौधे से एक रीढ़ निकाली और तना काट दिया। मांसाहारी पौधा गायब हो गया और गोले में बदल गया। उसके हाथ से गिरा, उसने गोला दूर रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। पानी से भरी जल भूमि उसका इंतजार कर रही थी। पानी के द्वार पर कदम रखते ही वो पानी के बीच में डूब गए। जब वो बेदम सी लग रही थी तो उसके हाथ का गोला अचानक चमक उठा, जिससे एक बुलबुला बन गया जिसने उसे ढक दिया और उसकी रक्षा की। अलीसा तैरती रही, उसने उसका पीछा किया और उसे अपने नुकीले दांत दिखाए। अलीसा ने सोचा कि शार्क उसे निगल जाएगी, लेकिन अचानक उसने काले मूंगा चट्टानों को देखा। अलीसा जल्दी से वहां गई और प्रवाल भित्तियों के बीच में छुप गई, लेकिन शार्क उसका पीछा करने के लिए भित्तियों में फंस गई।
अलीसा ने जितनी जल्दी हो सके तैरने की कोशिश की और पानी की जमीन को पार कर लिया। पानी से बाहर निकलते ही उसके हाथ में एक गोला गिरा। उसने उसे दूर रखा और अपनी यात्रा जारी कर दी। जलभूमि से निकलकर वो एक अंधेरी जगह पर पहुंची जहां दूर केवल एक छोटा सा तारा चमक रहा था। वो थोड़ी रोशनी पाने की उम्मीद से तारे की ओर बढ़ने लगी। जब वो तारे के करीब पहुंची तो वो वास्तव में हैरान थी। तारे की रोशनी में हार को चमकते हुए देखा तो वो खुल गया और अंदर आभूषणों को रखने के लिए दो स्थान मिले। उसे अपने पास मौजूद आभूषणों की याद आई और उसने उन्हें हार में डालने के लिए निकाला। हार तुरंत चमक गया। अंधेरे का द्वार खुल गया और उसे उसके पिता के पास ले गया। उसे एक तैरते हुए बुलबुले में बंद कर दिया। अलीसा ने बुलबुले को तोड़ने और अपने पिता को बचाने के लिए वहां जाने का इरादा किया, लेकिन फेलिना वहां आ गई और उसे दूर गिरा दिया। हाँ, तुम मूर्ख लड़की, तुम मेरे लिए हार लाई हो। धन्यवाद, इस हार के साथ मैं इस दुनिया की शासक बनूंगी। कथावाचक की बेटी, देखो मैं इस कहानी की मुख्य पात्र हूँ, मैं विजेता हूँ। ठीक है, मैं परियों की कहानी की दुनिया में हूँ जहाँ मैं अपनी खुद की कहानी बनाने में सक्षम हूँ। अलीसा सब कुछ समझ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि वो एक शक्तिशाली तलवार वाली योद्धा राजकुमारी थी। तुरंत प्रकाश स्थान ने उसे ढक लिया और उसे एक राजकुमारी योद्धा के रूप में बदल दिया। साथ ही साथ उसके साथ एक शक्तिशाली चमत्कारिक तलवार भी थी। अलीसा फेलिना के खिलाफ लड़ाई करने के लिए दौड़ी। जब फेलिना को नीचे गिरा दिया गया तो अलीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने पैरों को पटक दिया। जमीन फट गई और फेलिना गायब हो गई। फेलिना को हराने के बाद अलीसा ने फौरन बुलबुला तोड़ा और अपने पिता को बचा लिया। बुलबुले से बचने के बाद उसके पिता जाग गए। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। अलीसा के पिता ने एक जादू किया जिससे हार वापस आ गया। वे किताब से बाहर निकल गए और वास्तविकता में चले गए। उस दिन से वो और उसके पिता बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए इधर उधर घूमते रहे। वे दुनिया में सभी के लिए खुशियां लेकर आए। पैसा, सुंदरता या शोहरत, ये सभी आकर्षक चीजें हैं जिन्हें कमाने के लिए बहुत से लोगों को अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा आईना था जिसमें अगर कोई झलक देख ले तो हकीकत के सारे गम भुला देता है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने और रहने के लिए जिसकी वे आकांक्षा करते थे। चलो भी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे याद नहीं है कि मैं इस आईने में कितने समय से हूँ, बस ये जानती हूँ कि जीवित रहना है। मुझे बहुत सारी आत्माओं को प्रवेश करवाना है। अरे बाप रे, ये क्या है? ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो दुष्ट दर्पण के आकर्षण से बच सके। दरअसल आईने के अंदर की चीजें सिर्फ भ्रम होती है। बाहर उन निष्प्राणों का शरीर अभी भी वैसे ही पड़ा रहता है, एकदम व्यर्थ। यदि वे समय पर बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो शरीर वर्षों के साथ कुम्हला जाता है। क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं। एक बार फिर, बहुत से लोग ऐसे नहीं थे जो आईने के आकर्षण को नजरअंदाज कर सके। और ये युवा अश्वारोही कोई अपवाद नहीं था। हे युवक, यहाँ आओ और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण करूँगी। बहुत खूब, मैं अब तक सबसे निर्णायक व्यक्ति से मिली हूँ। मुझे बताओ, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? क्या तुम पागल हो? मुझे अपने साथियों का बदला लेना चाहिए जिन्हें आपके द्वारा दुख पहुँचाया गया है। समझ गई। हालांकि यदि आप मेरी जान लेते हैं तो आप जिस दुनिया में खड़े हैं वो भी बिखर जाएगी। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सभी आत्माएं भी नहीं बच सकती। तुम मुझे धमकी दे रही हो। बिल्कुल सही, यदि आप मेरे जीवन को बख्शते हैं तो मैं आपको आत्माओं को बाहरी दुनिया में वापस लाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए प्राचीन टावर पर ले जाऊंगी। ऐसा लगता है कि दूसरे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसने इस घुड़सवार को तुरंत मेरे आश्वसनीय झूठ पर विश्वास करने के लिए तैयार कर दिया।
हाँ ठीक है, वो झूठ था। मुझे भी इस टावर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अतीत में मैं हमेशा आईने के करीब रहती थी, इसलिए मेरे लिए रास्ते में आने जाने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाना असंभव था, जो इतने भयानक हो सकते थे। कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा साथी इतना कुशल योद्धा था। धन्यवाद, उनके बदौलत हमने एक के बाद एक कई कठिनाइयों पर काबू पाया। धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो, यदि आप जल्दी ही गायब हो जाते हैं तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। कितना कोमल दिल है, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। शायद काफी समय हो गया था जब दुनिया में किसी ने मेरी परवाह की थी। रास्ते में मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं वास्तव में इस आईने की मालकिन नहीं हूँ, और दर्पण को छोड़ने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी। घोषणा न करने के लिए मुझे दोष न दे। यदि आप इस संसार में बहुत अधिक समय तक रहते हैं, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिल सकता। तो क्या हुआ, मैं अपनी पसंद की हर चीज खा सकता हूँ, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है। ठीक है, उनके लालच और स्वार्थ के साथ वे जल्द ही संकट से मिलेंगे, मेरे बिना भी। ओह, तो आपको और आपके दोस्तों के बीच वास्तव में अच्छे संबंध है। हाँ, काश कि इतने खतरे के बावजूद कोई मेरे लिए कुछ कर पाता, ठीक वैसे ही जैसे तुमने किया। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कौन थी और मैं ये कैसे बनी। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, एक शब्द थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने इसकी कल्पना की थी या नहीं। लेकिन बाकी के रास्ते में खैर ठीक है, मेरे साथ और अधिक कोमलता से पेश आया। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले पहले व्यक्ति हो। जब हम अंत में मीनार के आधार पर पहुंचते हैं, तो हमारा इंतजार करता है वो आत्माओं के महत्वाकांक्षाओं से बना एक राक्षस था। उसके पास एक बड़ा गोला था जिसने उन सभी आत्माओं को बंद कर दिया जिन्हें दर्पण की दुनिया में खींच लिया गया था। क्या मैं पहले जाऊँ? मुझे पता है कि मैं उसके प्रतिद्वंदी भी नहीं हूँ। आप चतुर है। एक दर्पण दानव मनुष्यों के साथ मिलकर काम करता है, कितना रोमांचक है। देखते हैं कि ये आदमी किस महत्वाकांक्षा से बंधा है, गर्व, सुंदरता या पैसा। मॉन्स्टर धीरे धीरे इस बात से पागल हो गया कि उसकी जंजीर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लुई को बांध नहीं सकती, इसलिए वो जल्दी से मेरी ओर मुड़ा। और प्यार पाने की चाहत ही मेरी कमजोरी थी जिसने मुझे प्यार की जंजीर से बांध रखा था। क्लारा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नहीं, ये मदद नहीं करेगा। राक्षस के पीछे इस दुनिया को छोड़ने का एकमात्र द्वार है, बस जाओ। उस समय मैंने लुई को एक मौका देते हुए राक्षस को दूर से निभाने का तरीका खोजा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। क्योंकि राक्षस लुई को पकड़ना चाहता था, उसने मुझे रिहा करने का फैसला किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुई इस बार पकड़ा गया था। क्या वो प्यार करना जानता था? जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और मुझे दरवाजे से ढकेल दिया। दुनिया के सबसे अच्छे आदमी की आखिरी उदास मुस्कान देखते हुए मेरी आंखें फीकी पड़ गई। हालांकि मैं राक्षस से बच गई थी, ये सोचकर मेरा दिल टूट गया था कि मैं लुई को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई और रास्ता नहीं था, मैंने अपने शीशे को तोड़ दिया, जिसका मतलब ये था कि अगर शीशा टूट गया तो मेरी आत्मा नष्ट होने की संभावना है। जैसे ही शीशा टूटा, लुई जाग गया। क्लारा, क्लारा। लुई, मेरी चिंता मत करो, आप एक अच्छे इंसान हो। अपनी दयालुता को किसी भी चीजों से प्रभावित न होने दो। मुझे याद मत करना, मैं इस पूरी कहानी की एक बुरी व्यक्ति हूँ, ये सिर्फ एक सजा है। नहीं क्लारा, नहीं। दर्पण के टुकड़े जो खून से लथपथ थे अचानक आपस में जुड़ गए, जिससे दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा बन गया। ये अचानक दो तरफा दर्पण बन गया। लुई को दिख रहा था कि मैं दर्पण में महल में बंद कर दी गई थी। ये पता चला कि जब दर्पण नष्ट हो जाएगा तो दर्पण दानव गायब नहीं होगा, बल्कि इस महल में वापस आ जाएगा।
क्लारा मेरे लिए रुको, मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। ओह, क्या आपको सच में यकीन है? ये वही है आईने का राक्षस, सभी शैतानों में सबसे क्रूर। लुई के आते तक मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। Fairy Tales.